बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। राधा मंगेशकर एक भारतीय गायिका और संगीतकार हैं, जो प्रमुख रूप मंगेशकर परिवार की तीसरी पीढ़ी के तौर पर जानी जाती हैं। उनके दादा पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध मराठी थिएटर अभिनेता, नाट्य संगीतकार और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। लोकप्रिय भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना खादिकर उनकी बुआ हैं। संगीत की छवि वाले परिवार में पली बड़ी राधा मंगेशकर हमेशा संगीत से प्रेरित रही हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत में रुचि विकसित कर ली थी और 7 साल की उम्र में अपने पिता से गायन सीखना शुरू कर दिया था। बचपन में उन्होंने दीक्षा समारोह गंडा बंधन किया था। समारोह के दौरान उनके पिता ने एक संगीत गुरु के रूप में उनकी कलाई पर एक धागा बांधा। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ भाव सरगम, मराठी और हिंदी में कुछ प्रसिद्ध भारतीय सिनेमा और नाट्य गीतों की एक संगीत यात्रा में मंच पर परफॉर्म करके अपने संगीत करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने शिव कल्याण राजा, नक्षत्र चे देने, अक्षय जाने अभंगा जाने, दिल की नजर से और दीदी आणि मी जैसे स्टेज शो किए। पिता की सीख और गाइडेंस के साथ राधा मंगेशकर एक सोलो स्टेज आर्टिस्ट के रूप में उभरी। राधा एक बात सोचकर आगे बढ़ती हैं कि अपने यूनिक स्टाइल को देखते हुए इंसान को सही चुनाव करना होता है। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अपनी शैली में अपनी विरासत बनाई है। राधा मंगेशकर ने मराठी, हिंदी और बंगाली भाषा में गाने गाए हैं। उन्होंने कई एल्बम भी रिलीज की हैं, जिन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। राधा मंगेशकर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एक्सपर्ट हैं। राधा मंगेशकर ने ऋषिकेश रनाडे, जितेंद्र अभयंकर, विभावरी आप्टे, सुवर्णा मटेगांवकर और राजेश दतार जैसे कई लोकप्रिय भारतीय गायकों के साथ मंच शेयर किया है। कहा जाता है कि स्वर्गीय लता मंगेशकर अपनी भतीजी राधा मंगेशकर के सबसे करीब थी। साल 2009 में लता मंगेशकर ने भतीजी राधा मंगेशकर की सोलो एल्बम नाव भूल भुलैया शमी रिलीज की थी। एल्बम में 5 ट्रैक शामिल थे। राधा को अपनी उपलब्धि के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा गया है।